फ्रैक्शन का ही रिवीजन करा रहे हैं। इसमें क्लास 4, 5, 6 के बच्चों के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, ये थोड़ा सा हिंदी में बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ये आपको सॉल्व करना है कि 3 + 1/3 हाउ टू सॉल्व, यानी 3 + 1/3 इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट यू टेक हियर 3/1 यू कैन राइट, माने 1 जो है आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा, इससे आपको 1 और 3 ये जो दोनों का एलसीएम जो है 1/3 डिनोमिनेटर जो है दोनों में 1/3 का एलसीएम हो जाएगा आपका एलसीएम ऑफ 1 और 3 ये हो जाएगा 3। ठीक है, एलसीएम जो होगा इसका 1/3 का, ठीक है, 1/3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, जो कि आप यहाँ लिखेंगे, एक लाइन ड्रा कर लेंगे उसके नीचे 3, यानी डिनोमिनेटर का ये काम करेगा। तो 1 से डिवाइड करिए 3 टाइम, 3 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, 3 × 3 आप ले सकते हैं, 3 + 3 से डिवाइड करिए 1 टाइम, यानी 1 × 1 तो हो गया आपका ये 9 + 1/3 एड करिए 10/3। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में शो कर सकते हैं, ठीक है, तो 3 × 9 and 1/3 यानी 3 whole 1/3। देखिए तो 10/3 जो है उसको आप मिक्स फ्रैक्शन में रिड्यूस करेंगे, कन्वर्ट करें तो ये 3 × 9 हम डिवाइड करके देखें, 3 × 9 1 बचा रिमाइंडर, तो 1/3 यानी 3 whole 1/3 आप लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको 3 + 1/4 + 7 whole 1/2। ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा, पहले इसको डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, 1 ले लीजिए यहाँ पे, 3/1 + 1/4 + देखिए ये बराबर में बदल दिए 2 × 7 = 49 1 15/2। इसके बाद क्या करेंगे, 1/4 का एलसीएम 4 होगा, ठीक है, 4 लिखे हैं, 1 से डिवाइड 4 टाइम, 4 का मल्टीप्लाई 3 में यानी 12, 3 + 4 × 1 = 4 1 × 1 यानी 1, 3 + 2 से डिवाइड करें 2 टाइम, 2 का मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा, यानी आप ऐड करेंगे तो 12 × 1 = 13, 13 × 13 आपका हो गया 43, 43/4 और इसको फिर जो है मिक्स फ्रैक्शन में ही डिवाइड कर माने करना है, तो 4 × 10 = 40 हो गया और 3/4 यानी आपका आंसर जो है 10 whole 3/4 ये आंसर हुआ। इसको जो है आप लोग सही से समझ लीजिए, नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसी तरह का है,
वो आगे प्रोसीजर जो है आपको बता रहे हैं। 4/5 प्लस 3/8 प्लस 1/2 इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यानी सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे, 5/8 का एलसीएम जो होगा आपका 40 हो जाएगा। 40 जो है एलसीएम लीजिए और फिर 5 से डिवाइड करेंगे 8 टाइम, 8 का मल्टीप्लाई 4 में, 4 × 8 प्लस 8 का डिवाइड करिए 40 में, 5 टाइम जाएगा, 5 का 3 में मल्टीप्लाई यानी 3 × 5 प्लस 2 का डिवाइड करें 20 टाइम होगा यानी 1 × 20। फिर क्या करेंगे, 4 जो आपका 32 प्लस 15 प्लस 20 बाई 40 यानी आप ऐड करिए 257707 और आपका ये 3 3 1 4 4 2 6 बाई 40। फिर मिक्स प्रेशर में बदलेंगे, नियम सब वही है, रूल वही है, ज़्यादा इसमें डिस्टर्ब होने की बात नहीं है। डिवाइड करिए 1 टाइम और 17 बचे, हाँ सॉरी 27/40। ये कैसे हुआ, 40 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम होगा, रिमाइंडर जो है 27 लिखेंगे ऊपर और डिनोमिनेटर जो है 40 हो जाएगा यानी 1/27/40 ये आपका आंसर होता है। ठीक है, देखिए इसका रूल, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे जो भी हमारे डिनोमिनेटर है तीनों, उसके बाद इससे इसे डिवाइड करेंगे, जो आएगा रिजल्ट उसका मल्टीप्लाई, जैसे एक एक टाइम हुआ है तो मल्टीप्लाई, फिर एट से डिवाइड करेंगे 5 टाइम, तो 3 × 5 प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 40 में, 20 टाइम 1 × 20। तो इसको आप 8 मैंने मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 32 हुआ रिजल्ट, 15 हुआ इसका, इसका 20 हुआ, अपन 40 लिखेंगे। अब इसके बाद सबको एड कर लेंगे, तो 67/40 जो हुआ इसको आप कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, 1/27/40। अब इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसको सही से नोट करिए, सही से समझिए और कमेंट भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आप सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और हम लोग वीडियो भेज सकें।